कसम बताओ खाना काबा पेट के लिए जाते हो या अल्लाह के लिए जाते हो? शर्म आनी चाहिए कि वहां भी तवाफ हमारा दुनिया के लिए होता है, वहां भी दुआ दुनिया 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 के लिए हम जाते हैं, और इतने बड़े रब से जो कह रहा है कि इसकी मत मेरे सामने मच्छर की पर के बराबर नहीं है, उसके हाथ जाकर शर्म आनी चाहिए। ये मांगते हैं, ये मांगते हो। तो दोस्तों ऐलान खुदा का, हुक्म अल्लाह का, सुनाया मेरे आका ने, बताया मेरे नबी ने, बताया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिनों को चाहिए, उनको चाहिए कि अल्लाह ताला से तिजारत करें, लेकिन सोच समझ कर, ऐसा ना हो वो ससीब निकली थी अपने पुनों की तलाश में तो उनकी सहेलियों ने भी कहा था कि हम भी तेरे साथ चलेंगी। ससुई कोई बात नहीं, हम जुड़िया हैं, बचपन से खेलती कूदती आई है, साथ वक्त बिताया है, साथ खुशियां बनाई हैं, आज अगर तेरा शोहर चला गया तो हम भी तेरे साथ चलती हैं, क्या बड़ी बात है। ससुई जो थी वो सोच में पड़ गई, वो कहने लगी तुम चलोगी मेरे साथ? आगे कठिन रास्ता है, आगे पहाड़ भी हैं, बयाबान भी हैं, रेतीले इलाके भी हैं, और रास्ते में अगर तुम में से कोई भूखी और प्यासी हो, ऐ मुझे पुनों के पारा तो दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस मोहब्बत और इश्क की राह में चलने वालों, दो कदम चलकर फिर सांस भूल जाती है, सांस भूल जाती है, फिर पीछे के काम याद आते हैं। ये भी नहीं हुआ, यहां जब मैंने ये जिक्र के रास्ते पे कदम रखा है, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया, हैफ हो तुम्हारे हाल पर, क्या हो गया, क्या हो गया, और कहां हुआ है, दिखाओ कहां हुआ है, तेरे जिस्म में हुआ है, तेरे घर में हुआ है, तेरे बच्चों में हुआ है, तेरे भैंसों में हुआ है, तेरे गाय और ऊंटों में हुआ है, कसम उठाकर बताओ, या ये सब चीजें तेरी हैं, तेरी हैं? पहले तुम कारोबार कर चुके हो तो अब तेरी कब रही, ये तेरी कब रही, वो तो जिसकी है उसकी है। ए भाई पहले समझ लो, अगर इज्जत चाहते हो तो ये दुनियादारी जो है, दुनियादाराना जहन, दुनियादाराना कल्ब तब्दील कर दो, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मोरा मेरा है। सिर्फ 3 दिन ऐसी मशक करो, मशवरा है 3 दिन ऐसी मशक करो, जो ना तुम्हारी जायदादें हैं, जो तुम्हारी दौलत है, जो तुम्हारा घर है, 3 दिन ये मशक करो कि ये मेरा नहीं है, किसी और को 3 दिन के लिए मालिक बना, बेटे को बना लो, चलो और को किस कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी सांस निकलेगी, उसकी हवा निकलेगी, 3 दिन के लिए चलो बेटों को दे दो, और ज़हनी तौर पर तुम आजाद हो जाओ और कहो कि ये मेरा नहीं है, बैकआउट, पीछे हट जाओ, और फिर देखो अपने अंदर की कैफियत और अपनी सोच, जब ये ना, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी लूंगा, वो भी लूंगा, ये चैप्टर जब क्लोज होगा, फिर देखो तेरे रूह में कैसी ताजगी आती है, किस तरह तेरे रूह में ताजगी आती है, किस तरह तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ कशिश होती है, बढ़ने चाहते हो खुदा की तरफ और पैरों में दुनिया के वजनदार चीजें बांधी हुई हैं, वो जो परिंदे को पिंजरे में बंद करते हैं या किसी किसी रस्सी के साथ किसी दरख्त या किसी घर में लगे हुए लकड़ी की पोल से बांध देते हैं, अपना हाल वो कर रखा है और कहता है कि मैं खुदा की तरफ जा रहा हूं, और कहता है मैं हज पर जा रहा हूं, और कहता है मैं उम्रे पर जा रहा हूं, बंधा हुआ है दुनिया के साथ, बंधा हुआ है अपने दुनियावी चीजों के साथ, और कह रहा है मैं हज पर जा रहा हूं। सिंधी में चौदह आयन था, सत कुआ खाई बिल्ली भी हजते हली, 7 चूहे खाकर बिल्ली भी हज पर गई थी,
ایسا حج لوگوں کے سامنے تو قابل قبول ہوگا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم سب کو، وہ ہمارے حج کو نہیں ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔